हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइज, आज हम जाने वाले हैं कहीं घूमने के लिए, तो चलिए चलते हैं। तो गाइज, अभी हम अपने गांव के सड़कों पे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा गांव का सड़क है। तो चलिए चलते हैं, तो मस्त अभी हम कहीं घूमने चलने वाले हैं। गाइज, ब्लॉग में बने गए लास्ट तक, काफ़ी मज़ा आने वाला है। गाइज, अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक अंकल जी मिले हुए थे, तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम हाथ में ट्राइपॉड लिए हैं और उसके बाद मतलब ये माइक है। तो गाइज, माइक को मूस बोल रहे हैं कि क्या है, मूस है क्या? तो गाइज, अभी हम आ चुके हैं घर से, मतलब थोड़ा सा दूर। अभी हम मतलब सड़क पे चल रहे हैं, ये गाइज नहर वाला सड़क है, बगल में नहर है, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे। गाइज, बगल में नहर है और नहर के बगल से हम चल रहे हैं। और इधर मेरे बगल में स्कूल है मेरे पीछे। गाइज देखिए, वहाँ पर बहुत सारा पीरू है। तो गाइज, कल के ब्लॉग में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। कल के ब्लॉग में आप लोग को खेत का टूर कराया था, तो कल काफ़ी मज़ा आया। तो गाइज, अभी हम घर से बहुत दूर आ चुके हैं, मतलब बहुत देर चलने के बाद अभी हम बहुत दूर आ चुके हैं घर से। गाइज, आज मौसम काफ़ी बढ़िया है, धूप वगैरह कम है। तो गाइज, इधर का कुछ ऐसे नज़ारा है, मतलब एकदम चारों तरफ हरा भरा, मतलब पेड़ वगैरह वृक्ष वगैरह है और काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का। तो काफ़ी मस्त लग रहा है गाइज। अब बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। गाइज, ये बांध है जो कि इधर जाता है, मतलब दूसरे गांव में जाता है। तो गाइज, अभी हम आ चुके हैं अपने गांव वाले मंदिर पे। देखिए गाइज, मेरे पीछे ये मेरा गांव वाला मंदिर है, तो ये काफ़ी प्यारा है। और इधर भी एक है यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे। गाइज, यहाँ पे मतलब गाँव का मतलब हर लोग यहाँ पर पूजा वगैरह करने के लिए आते हैं। और गाइज, यहाँ पे छठ वगैरह होता है गांव का। यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो गाइज, अभी हम आ चुके हैं मंदिर के पीछे। गाइज, मंदिर के पीछे का सीन है। और गाइज, मंदिर के ठीक पीछे घर बना हुआ है, इसी में मतलब कुछ लोग रहते हैं। और वहाँ पे एक झोपड़ी बना हुआ है मेरे पीछे। तो गाइज, हम मंदिर से भी हम निकल चुके हैं। अभी हम आ चुके हैं इधर मंदिर से थोड़ा सा आगे। तो गाइज, अभी हम आ चुके हैं मंदिर से आगे खेतों की तरफ। तो गाइज, इधर का नज़ारा कुछ ऐसा है, इधर बहुत सारे खेत वगैरह है जो कि सब अभी खाली है। तो गाइज, अभी हम आ चुके हैं मस्त आलू के खेतों की तरफ। यहाँ पे देखिए, बहुत सारे आलू का पौधा यहाँ पर उगाए गए हैं। इधर गाइज, बहुत सारे लोग खेती वगैरह करते हैं और बहुत सारे लोग आलू का, गोभी का, मतलब हर कुछ का खेती वगैरह करते हैं लोग। ये बंदा का खेती है यहाँ पे। तो गाइज, अभी हम आलू के खेत से निकल गए हैं, अभी हम आ गए हैं उससे आगे। और इधर देखिए गाइज, कितना मस्त लग रहा है सरसों का खेत। इधर सरसों का खेत है मेरे पीछे, काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है और काफ़ी सुंदर लग रहा है। देखिए कितना मस्त लग रहा है। तो गाइज, अभी हम सरसों के खेत के बगल में हैं, तो हाँ काफ़ी प्यारा लग रहा है। सो गाइज, अभी हम आ चुके हैं मूली के खेत के पास। देखिए यहाँ पे बहुत सारा मूली वगैरह है, कितना मूली का पौधा यहाँ पे उगाया गया है, काफ़ी सारा है। तो गाइज, अभी हम आ चुके हैं बैंगन के खेत में। यहाँ पे देखिए बहुत सारा बैंगन है, रुकिए आप लोग को दिखाते हैं बैंगन। देखिए यहाँ पर बैंगन, मतलब कितना बहुत सारा बैंगन है, काफ़ी सारा है, बहुत सारा बैंगन है, ये सब बैंगन ही है। सो गाइज, हमको मूली खेत में सभी मूली ला कर दिए हैं, तब ये मूली खा रहे हैं कि कैसा लग रहा है। गाइज, मूली काफ़ी मीठा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो गाइज, अभी मूली वगैरह खा लिए हैं और मूली खेत में से भी निकल चुके हैं थोड़ी देर पहले। इधर केला का पेड़ वगैरह है, तो दिखाते हैं आपको, काफ़ी अच्छा है। तो गाइज, अभी हम आ चुके हैं केला के पेड़ के पास। देखिए यहाँ पे बहुत सारा केला है मेरे पीछे, काफ़ी ज़्यादा है। केला के बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। गाइज, खेतों में घूमने में काफ़ी मज़ा आता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो गाइज, अभी हम आ चुके हैं बांध के पास और देखिए यहाँ पे हमको चढ़ना है। देखिए यहाँ से हमको वहाँ पे चढ़ना है ऊपर, जो काफ़ी ऊंचा है। ओ भाई,
तो गाइस अभी हम बांध पे चढ़ चुके हैं, अभी हम बांध पे हैं और वो नीचे वाला सीन है। तो गाइस बांध का नज़ारा देखिए, काफ़ी मस्त है और काफ़ी अच्छा है। बांध पे बहुत सारा पेड़ वगैरह लगाया गया है। तो गाइस अभी हम मूली के खेत से बहुत आगे आ चुके हैं, यहाँ पे अभी हम बांध पे हैं, तो चलिए अभी हम आगे चलते हैं। तो गाइस अभी हम बांध से उतर चुके हैं नीचे रोड पे, अभी हम सड़क पे चल रहे हैं। तो गाइस अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं, तो चलिए फिर चलते हैं। गाइस आज घूम कर मतलब काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो गाइस यहाँ पे हमारे एक मामा जी मिले हुए हैं, तो इन्हीं के साथ हम जा रहे हैं घर पे। तो गाइस अभी बाइक पे बैठ चुके हैं और जा रहे हैं घर पे, तो चलिए। तो गाइस अभी हम बाइक से उतर चुके हैं और अभी हम आ चुके हैं नहर पे, तो चलिए अब घर पे चलते हैं। यहाँ से घर पास ही में है, तो चलिए चलते हैं। तो गाइस अभी हम घर पे पहुँच चुके हैं, तो चलिए। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।